आज हम बात करेंगे उषा की ड्रीम मेकर 120 शोइंग मशीन के बारे में। ये मशीन टच स्क्रीन मशीन है। यहाँ पे एक स्क्रीन दी हुई है, यहाँ पे ये उसका मेन्यू कार्ड है जिसमें डिफरेंट टाइप के स्टिचेस दिए हुए हैं जो अलग अलग मोड में है। तो जैसे कि आप बैक साइड में देख सकते हो तो इसमें ABCD दिया हुआ है, तो आप इससे लोगो भी बना सकते हैं और इधर आप स्ट्रेट स्टिच गाज भी बना सकते हैं और अलग अलग टाइप की डिजाइनें भी कर सकते हैं। और इस मशीन की खासियत ये है कि आप एक साथ 3 से 4 डिजाइन एक साथ कर सकते हैं। ये जो फंक्शन है ये स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए है। और ये ट्विल नीडल का ऑप्शन है कि आप इसके अंदर एक नीडल लगी हुई है तो आप इसमें ट्विल नीडल का ऑप्शन कि आप 2 नीडल भी इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद सीजर का ऑप्शन है, जब भी आप कपड़ा इस पर स्टिच करते हैं तो स्टिच ख़त्म होने के बाद जब इस पर प्रेस करते हैं सीजर पे तो धागा ऑटोमेटिक कट हो जाता है। ये वाला ऑप्शन है, जब भी स्टिच ख़त्म करके हम लॉक करते हैं तो हम इससे इसको लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे इस मशीन को हम स्टार्ट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे नीचे स्टार्ट और स्टॉप का बटन दिया हुआ है। अगर हम इसको स्टार्ट करेंगे तो ये मशीन स्टार्ट हो जाएगी और हमें बंद करना है तो हम इसको स्टॉप करेंगे तो बंद हो जाएगी। तो ये सारे इसके फंक्शन हैं। और यहाँ पे ये स्क्रीन है, तो स्क्रीन में नंबर 1, 2, 3 ऐसे दिए हुए हैं। एग्जाम्पल तौर के अगर मुझे कोई इसमें से डिज़ाइन पसंद करनी है तो मुझे यहाँ स्क्रीन पे उसको कैसे लेके आना है, तो मुझे इस मेन्यू कार्ड में नंबर 46 है और मोड कौन सा है, 3 है। तो मैं सबसे पहले इसका मोड चेंज करूँगी, तो 1, 3, तो ये आ गया हमारा मोड 3। मोड 3 में कौन से नंबर की डिज़ाइन थी, 46, तो यहाँ पे मैं 46, तो ये 46 किया तो यहाँ पे स्क्रीन पे बॉबिन, ये बॉबिन है, बॉबिन को हम इसके अंदर डालेंगे ऐसे और इसको इसके अंदर ऐसे डाल के ये रख देना है और इसको हम पैक कर देंगे ऐसे, ठीक है। अब ये धागा है तो धागे को हम इसमें कैसे डाल सकते हैं, इसके अंदर हमें पहले डालना है, फिर फर्स्ट यहाँ पे आएगा, सेकंड यहाँ पे यू टर्न करना है और इसके अंदर ऐसे डाल के फिर इसके अंदर डालना है। और उसके बाद इसमें ऑटो थ्रेडर भी दिया हुआ है, ऑटो थ्रेडर की यूज़ से आप धागा ऑटोमेटिक मशीन में डाल सकते हो। हम इसको यहाँ पे मोड से चेंज करेंगे 4 पे, तो ये 4 पे आ गया। अब इस पर हमें M लिखना है, तो इसमें नंबर 23 पे M है, तो हम यहाँ पे 23 डायल करेंगे, स्क्रीन पे आ गया 23 और यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए M आ गया है। अब इसको हम मेमोराइज करेंगे, मेमोराइज करने के बाद हमें ये करना है, अब इसके बाद हम इसको स्टार्ट कर लेंगे। ये हमारा M कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हम एक एक अल्फाबेट लेके एक पूरा वर्ड या नाम बना के भी हम इस मशीन से बना सकते हैं, इससे लोगो भी बना सकते हैं। बहुत सारे इसमें स्मॉल ABCD भी दी है, डिफरेंट टाइप के इसमें अलग अलग शेप के ये दिए हुए हैं अल्फाबेट, तो वो भी हम बना सकते हैं। और ये सारे डिज़ाइन, इसमें मैं एक डिज़ाइन और करके दिखाती हूँ, 61 जो मोड 3 में है, तो हम इसको मोड 3 पे ले जाएंगे, 3 और डिज़ाइन है 62, तो यहाँ पे 62 डायल करेंगे, ये स्क्रीन पे आ गया, इसको मेमोराइज कर देंगे फिर इसको हम स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही अमेजिंग शोइंग मशीन है। आप डिफरेंट टाइप के इसमें स्टिच दिए हुए हैं, उसमें आप नेक पे पैटर्न डाल सकते हो, अलग अलग तरह की डिज़ाइन बना सकते हो। और ये मशीन चलने में भी बहुत ही हल्की है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करती है। अभी मैं इसको स्टॉप करती हूँ, फिर यहाँ से सीजर से इसको मैं कट करती हूँ, तो ये बन गई हमारी डिज़ाइन।
तो ये था उषा कंपनी का ड्रीम मेकर 120 मशीन, जो अगर आप बुटीक चलाते हो या आपको बहुत ही क्रिएटिव चीज़ें करने का शौक है तो आपके लिए ये मशीन बहुत ही फ़ायदेमंद है और इसमें इस तरह की डिज़ाइनें करने का बहुत मज़ा आता है। तो डे 5 का निशा मैम का जो टास्क था वो मैंने कंप्लीट किया।